स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बजट के पर्सपेक्टिव से है। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर जो मैक्सिमम न्यूज जिनको कवर किया गया है वो बजट के ही रिगार्डिंग में है। तो आपको यहाँ पे बजट के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ज़रूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि अगर हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें यहाँ पे बजट के रिगार्डिंग में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है उसके अंदर बजट के बारे में जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। बजट को बेसिकली एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। आपको जो बजट वर्ड है उसका जो मेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। आप देखिए कि बजट के अंदर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको बेसिकली यहाँ पे एस्टीमेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर का जो एस्टीमेट है उसके रूप से बताया गया है। हमारे जो थ्री फंड्स हैं कंटिंजेंसी फंड है पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर का जो एस्टीमेट है उसके रूप से इसको बताया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से। स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो इंटरिम बजट है उसको प्रपोज किया गया है। फुल फ्लेज बजट है उसको आफ्टर द इलेक्शन के बाद में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद में जो फुल फ्लेज बजट है नेक्स्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जाएगा। इलेक्शन ईयर्स के अंदर में आपको बेसिकली इंटरिम बजट है वही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पता होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर देता है कि वहाँ पे विड्रोवल के रिगार्डिंग में जो फंड है उसका जो विड्रोवल है उसके करने के रिगार्डिंग में जो पावर है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें वोट ऑन अकाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 116 है 116 के अंदर में वोट ऑन अकाउंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वो एक एडवांस ग्रांट है वो गवर्नमेंट को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आप अपना जो मनी है उसको बेसिकली एक एडवांस ग्रांट के रूप में विड्रॉ किया जा सकता है न्यू फाइनेंशियल ईयर के बिगन होने से पहले। आपको फाइनेंशियल ईयर का जो साइकिल पीरियड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जो 1 अप्रैल का जो समय है 1 अप्रैल से देखिए आप देखिए कि 31 मार्च तक का जो समय है उसको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का जो साइकिल है उसके रूप से जाना गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बजट के अंदर में आपको अदर देन द एस्टिमेशन के रिगार्डिंग में कि जो यहाँ पे रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट है उसको मेंशन किया जाता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जाता है बजट के अंदर में, जिसके अंदर में आपको वे एंड मीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में रिवेन्यू को किस तरीके से रेज करना है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बताया जाता है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल पॉलिसी है आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रिगार्डिंग में उसका मेंशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है तो हमारा जो पॉलिटी का जो बुक है आपका जो इकोनॉमी का बुक है उससे जाके इनको ज़रूर से रीड करना, जिससे कि आपको बजट को आप बेटर वे में आप अंडरस्टैंड कर सको। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि राज्यसभा को जो इक्वल पावर है वो नहीं दिया गया है बजट के रिगार्डिंग में, या यहाँ पे राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं है वोटिंग के पर्सपेक्टिव से कि जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसके रिगार्डिंग में राज्यसभा के द्वारा कोई वोटिंग किया जा सके बजट के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव जो प्रिविलेज है वो लोकसभा को ही देखने के लिए मिलता है डिमांड फॉर ग्रांट का जो वोटिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बजट 2024 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि बजट को डिस्कस करने से पहले आपको रेलवे बजट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अर्लियर फेज के अंदर में हमारा जो जनरल बजट एंड रेलवे बजट है दोनों सेपरेट हुआ करते थे। 1921 के समय जो एक्वोर्थी कमेटी है, एक्वोर्थी कमेटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आता है और आप देखिए कि उसके समय से ही रेलवे बजट को सेपरेट किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो पावर के अंदर में आई। इनिशियल फेज के अंदर तो फुल फ्लैश जो मेजोरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। बट आप देखिए कि 1978 के समय से जब से जनता गवर्नमेंट फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वो पावर के अंदर में आया था, तो जनता गवर्नमेंट के समय से ही आपको काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेंगे जिनको कंप्लीट मेजोरिटी नहीं रहेगा। अलायंस के थ्रू बेसिकली वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ करती थी, तो उस समय में काफ़ी सारा जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है या अलायंस का जो मेन पार्टनर है उसको एज ए रेलवे जो बजट है या रेलवे जो मिनिस्ट्री है वो दे दी जाती थी। और आप देखिए कि उनके द्वारा जो रेलवे बजट है उसको प्रपोज किया जाता था।
2016 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, 2016 के समय में विवेक देबुराई कमेटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। उस कमेटी के द्वारा रेलवे बजट एंड यहाँ पे जो जनरल बजट है उसको कंसोलिडेट किया गया। तो आप देखिए कि अब जनरल बजट के साथ ही उसी के अंदर में आपको रेलवे बजट है वो देखने के लिए मिलता है। रेलवे मिनिस्टर के द्वारा जो अलग से रेलवे का जो बजट है उसको प्रपोज नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्वर्थी कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन एक और पता होना चाहिए जो आपका होमवर्क है कि फर्स्ट हमारे कौन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा बेसिकली जो बजट है उसको प्रपोज किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर में आपको एक प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है कि कंप्लीट जो डे का जो बिजनेस है उसको कंप्लीट होने के बाद में इवनिंग के समय में जो बजट है उसको प्रपोज किया जाता था, बट बाद में उस प्रैक्टिस को चेंज किया गया। आप देखिए कि जो 11 जो ओपनिंग समय है हमारे पार्लियामेंट का 11 AM, उसी समय में आपको बजट का जो प्रपोजल है वो देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय में। तो फर्स्ट हमारे कौन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा बजट है उसको प्रेजेंट किया गया था, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपका ये होमवर्क है। 2024 के अगर हम बजट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे जो फिजिकल कंसोलिडेशन का जो टारगेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में काफ़ी सारा जो डाटा है उसको बताया गया है, बट एग्जाम के पर्पज से इतना जो डाटा है उसको आप याद नहीं रख पाओगे। आपको यहाँ पे कुछ मोटे मोटे जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि मेजर स्कीम्स के अंदर में जो फंड है उसको इंक्रीज किया गया है या डिक्रीज किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो मनी है उसको याद करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना जो डाटा है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 5.1% ऑफ GDP का जो टारगेट है फिजिकल कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा लोअर। आप देखिए कि इलेक्शन ईयर होते हुए भी इतनी सारी जो अनाउंसमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। लास्ट ईयर 2023-24 के समय में जो टारगेट है वो 5.8 था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम है और लोअर देन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि COVID-19 के समय में हमारा जो बेसिकली काफ़ी सारा जो एक्सपेंडिचर है वो देखने के लिए मिला था हेल्थ के सेक्टर के अंदर में, तो बेसिकली जो फिजिकल एरियाज के अंदर में जो फिजिकल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा एक बेटर डिसीजन है वो यहाँ पे लिया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बजट के कुछ मेन टारगेट्स हैं। अब इनको सेक्टर वाइज हम डिवाइड करते हैं। आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी है उसको प्रपोज किया गया है कि हमारा जो फास्ट पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है, डेमोग्राफी के अंदर जो चेंज आया है उसके रिगार्डिंग में कमेटी है उसको यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि सेंसस का जो कैलकुलेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है जिनके द्वारा बेसिकली जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाता है। 1881 के समय में फर्स्ट टाइम हमारा जो सिंक्रोनाइज सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया था सेंसस का, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में आपको एवरी 10 ईयर के समय जो सेंसस है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 2021 के समय 20 के समय किया जाने वाला था, बट उस समय COVID-19 का जो समय होने की वजह से हमारा जो सेंसस है उसको कंडक्ट नहीं करवाया गया। तो एक हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी के अंदर में जो कितना चेंज है वो देखने के लिए मिला है, कितना यहाँ पे जो या बेसिकली जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके बारे उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द डेमोग्राफिक चेंज के बारे में यहाँ पे रीड करना है, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं उनके बारे में। बट आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सर्वे है, सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसके अंदर में बेसिकली जो फर्टिलिटी रेट है उसको डिक्लाइन के बारे में डिस्कस किया गया है। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो सर्वे नंबर 5 है उसके अंदर भी यहाँ पे TFR का जो डिक्लाइन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। बट आप देखिए कि काफ़ी सारे एक्टिविस्ट के द्वारा बताया जाता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 2015 के समय आया था उसके बाद में जो कम्प्लीटली यहाँ पर डिटेल एग्जामिनेशन है वो नहीं किया गया है। ऑल ओवर इंडिया हमारे कुछ स्टेट्स के अंदर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी हायर देखने के लिए मिला, जैसे कि बिहार का जो स्टेट है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर का जो स्टेट है उनके अंदर में हाई पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिला है। तो उसी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग में एग्जामिनेशन है, डेमोग्राफिक चेंज को यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा। आप देखिए कि डेमोग्राफिक चेंज बेसिकली एक चैलेंज भी है और एक पॉजिटिव थिंग भी है यहाँ पे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में। इंडिया के पास में काफ़ी सारा यूथ का जो डिविडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, यूथ पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। बट ये यूथ का बेसिकली जो डिविडेंट है कहीं डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट ना हो, अगर इनको प्रॉपर जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं किया गया तो डिजास्टर हो सकता है आने वाले समय में।
अपोजिशन की जो फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बजट को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि ओनली रिच पीपल्स को फेवर किया गया है, इंक्लूसिव जो सोशल जस्टिस है उसको प्रोवाइड नहीं किया गया, पुअर पीपल्स को यहाँ पे ध्यान के अंदर नहीं रखा गया है। पीएम सर के द्वारा बजट के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि इंक्लूसिव, इनोवेटिव एंड द कंटिन्यूटी का एक साइन के रूप से इसको बताया गया है। आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी कुछ जो चेंजेज हैं किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली फोर जो सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है, जिसके अंदर में आप देखें कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा एक कास्ट सेंसस सर्वे आपको देखने के लिए मिलता है, और उसके जस्ट अपोजिट के अंदर में पीएम सर के द्वारा या उस समय में मेंशन किया गया था सितंबर अक्टूबर के समय में, अगर हम कास्ट के पर्पज से डिस्कस करें तो हमारी कंट्री के अंदर ओनली फोर एरियाज हैं जो कास्ट के एरियाज हैं, या तो यूथ के जो लोग हैं उनका एक अलग कास्ट है, बेसिकली हम कास्ट के रूप से डिवाइड ना करते हुए यूथ का जो सेक्टर है उसको एक अलग से देखें, फार्मर्स को अलग से देखा जाए, पुअर एंड वुमेन को यहाँ पे, तो ऐसे फोर एरियाज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे 1 लाख करोड़ का जो बेसिकली एक कॉर्पस है जिसको क्रिएट किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में, तो उन सभी बेसिकली इनिशिएटिव्स को पीएम सर के द्वारा यहाँ पे एंडोर्स किया गया है अपने स्पीच के अंदर में आफ्टर द बजट के अंदर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे जो पीएम फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट है उसके अंदर में कुछ सोशल सेक्टर एरियाज के रिगार्डिंग में एनालाइज किया गया है। सोशल सेक्टर एरिया के अंदर में अगर हम बात करें, रूरल एरिया के अंदर में जो बेसिकली बजट का जो अलोकेशन किया गया है रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के परस्पेक्टिव से, तो आप देखिए कि एमजी नरेगा स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे नेट जीरो गेन के बारे में डिस्कस किया गया है। गवर्नमेंट ने जो अपना बजट है उसको यहाँ पे मोर हायर वे में अनाउंस किया है सोशल सेक्टर के परस्पेक्टिव से। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 5.6 करोड़ जो पर्सन है, 5.6 करोड़ जो पर्सन है वो यहाँ पे एमजी नरोगा की रिगार्डिंग में रजिस्टर किया गया है उनके द्वारा, और आप देखिए कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्पोज किया था कि एमजी नरेगा के सेक्टर के अंदर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही यहाँ पे जो पेमेंट है वो किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की रिगार्डिंग में जो मनी है उसको बेसिकली रोका गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लास्ट ईयर हमने काफ़ी बार इसके बारे में रीड किया था। ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो नेट जीरो गेन है वो देखने के लिए मिला है जॉब गारंटी स्कीम के अंदर में। यहाँ पे एक बेसिकली एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा बजट को एग्जामिन किया गया, उनके द्वारा कहा गया है कि फोर जो बेटर एरियाज है जिनको टारगेट किया गया, जिसमें पुअर है, वुमेन है, यूथ के अलावा फार्मर्स है, और 2047 का जो विकसित भारत का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आप देखें कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का जो टारगेट है जो रखा गया है, जिसके अंदर एडिशनल 3 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, 3 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको यहाँ पे हाउसिंग है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो टोटल आपको 5 करोड़ देखने के लिए मिलेगा। 2 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पे हाउसिंग है उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। फार्मर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे मार्जिनल जो राइज है वो देखने के लिए मिला है, क्योंकि फिशरीज का एक अलग से डिपार्टमेंट है उसको क्रिएट किया गया है। आप देखिए कि मत्स्य योजना है उसको लॉन्च किया गया, जिसका मेन काम क्या है कि हमारे इनलैंड एरियाज के अंदर जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है। इनलैंड के अलावा आपको जो एक्वा कल्चर का जो एरिया है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि यहाँ पे भी जो मनी है वो मोर अलोकेट हुआ है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर में, जिसके अंदर में अगर हम स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पीएम श्री योजना है। पीएम श्री योजना क्या है स्टूडेंट? पीएम श्री है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। पीएम पोषण जो शक्ति निर्माण अभियान है जिसको कि हम मिड डे मील की स्कीम के रूप से जानते थे, इन सभी के अंदर जो फंड है उसको मोर अलोकेट किया गया है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर में इंटरिम बजट के थ्रू में। तो ये सेक्टर वाइज जो स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आपको स्कीम्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए। पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान है जो जिसको अर्लियर फेज के अंदर में क्या जानते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम के रूप से। बट आप देखें कि हमने फिशिंग सेक्टर के बारे में बात किया, फार्मिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन कमेटी है, स्वामीनाथन सर जिनका अभी रिसेंटली डेथ भी हुआ है, एमएस स्वामीनाथन जो कमेटी है, एमएस स्वामीनाथन कमेटी के अंदर में बेसिकली फार्मर्स को एमएसपी देने के बारे में बात की गई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बेटर वे में होना चाहिए। तो उस कमेटी के रिगार्डिंग में जो डाटाज हैं उसके रिगार्डिंग में बजट कम्प्लीटली साइलेंट है, उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्टिलाइजर रेशियो के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यूक्रेन के अंदर में जो क्राइसिस अगर वहाँ पे सेटलमेंट होता है तो क्राइसिस जो फर्टिलाइजर्स का जो सेक्टर है उसको अंदर में बेसिकली जो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि यूक्रेन के द्वारा मैं बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में या फर्टिलाइजर के सेक्टर के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ जो एक्सपोर्ट है इंडिया के द्वारा वहाँ से इम्पोर्ट है वो किया जाता है। और अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स के ही परस्पेक्टिव में, तो यूक्रेन की सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके बारे में यहाँ पे रीड किया गया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो मनी है उसको कम अलोकेट किया गया है इस सेक्टर के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, नैनो डीएपी है, नैनो यूरिया है, ये सब का जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, फार्मर्स को जो अडोप्टेड का हर एक क्लाइमेट जोन के अंदर में उसको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि जो कोविड-19 के समय में एक 3F का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता था, जिसको कि हम फूड फर्टिलाइजर और फाइनेंस का जो क्राइसिस है उसके रूप से जानते थे, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसी की वजह से हमने उस क्राइसिस को डील किया था, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में डिस्कस किया गया, शुगर सब्सिडी है, शुगर सब्सिडी बेसिकली इंक्रीज हुआ है, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पे उसको शुगर सब्सिडी को इंक्रीज किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में अगर हम बात करें, गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखें कि 80 करोड़ के आसपास जो पर्सनस हैं उनको फ्री राशन है वो प्रोवाइड किया जाता है 80 करोड़ के आसपास जो लोग हैं गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू, तो उसको जो कंटिन्यूटी है वो रखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक स्कीम है उसको प्रपोज किया गया है यहाँ पे, बायो फर्टिलाइजर्स के परस्पेक्टिव से, बायो मैन्युफैक्चरिंग है, बायो फाउंड्री है उसका यहाँ पे क्रेड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बूस्ट किया जा सके, तो उसी को प्रपोज किया गया है कि इसका जो बूस्ट है उसको कैसे किया जाएगा, उसका जो कंप्लीट डिटेल्स है उसको आने वाले दिनों में हम रीड करेंगे। आप देखें कि टैक्सेशन के रिगार्डिंग में जो टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में कोई भी चेंज है वो नहीं किया गया है, नो चेंज इन द टैक्स कॉन्सेप्ट। स्टार्टअप्स को यहाँ पे 1 ईयर का एक एक्सटेंशन है वो दिया गया है, स्टार्टअप्स को जो बेसिकली कुछ एग्जेम्पशन है वो मिलता है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग में है, हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनके बूस्ट करने के परस्पेक्टिव से। इसके अलावा जो पीएम मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, फंड ऑफ फंड स्कीम है, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उन सभी के बारे में मेंशन किया गया जिससे कि स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि आपको इंडिया के अंदर में 1.4 लाख स्टार्टअप्स वो देखने के लिए मिलते हैं और 12 लाख के आसपास जो जॉब्स हैं उनके द्वारा जनरेट की गई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे टैक्स पेयर्स के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि हमारे आपने इस टॉपिक को काफ़ी बार रीड किया होगा स्मॉल टैक्स पेयर्स के रिगार्डिंग में, एग्जाम के पर्पज़ से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ये शेयर मार्केट के रिगार्डिंग में है, बजट के परस्पेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 2070 तक हमको बेसिकली कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। स्टीम के जो कोर्सेज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन कोर्सेज के इंक्रीज के बारे में भी डिस्कस किया गया है बजट के अंदर में। हेल्थ के सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का जो एक्सटेंशन है, आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर के जो हेल्थ सेक्टर के जो अदर स्टाफ्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर किया गया। इसके अंदर में बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनको जो यहाँ पे हेल्थ का जो कवरेज है वो दिया जाएगा। यूविन नाम का एक पोर्टल है जिसको बनाया गया है। यूविन पोर्टल क्या है? यूविन पोर्टल है कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का जो प्रैक्टिस है उसको मैनेज करने के रिगार्डिंग में, मिशन इंद्रधनुष के रिगार्डिंग में, मिशन इंद्रधनुष आपको पता होना चाहिए कि 7 जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिजीज है उनके रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इम्यूनाइजेशन का जो प्रैक्टिस है उसको किया जाता है। एक आपको मिशन इंद्रधनुष प्लस भी आपको देखने के लिए मिलता है जिसका भी मेन टारगेट यही है कि उन 7 जो डिजीज है उनकी रिगार्डिंग में और जो डिफरेंट डिजीज है उनको टारगेट किया जा सके यहाँ पे, और हमारे जो चिल्ड्रंस के अंदर इम्यूनाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। हेल्थ सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है जिसको जनवरी का जो मंथ है उसको हमने बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस मंथ के रूप से भी सेलिब्रेट किया, उसका जो एचपीवी वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है उसका बेसिकली वैक्सीनाइजेशन किया जाएगा 9 to 14 का जो गर्ल्स है उनका एज के अंदर में, तो एचपीवी वैक्सीन के बारे में मेंशन किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके अंदर नील या मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है उसको चार्ज किया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो सनराइज सेक्टर्स है उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये एनकरेज करेगा, 1 लाख करोड़ का जो बेसिकली जो एक फंड है उसको क्रिएट किया गया है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे 2003 के बारे 2023 के बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है उसको प्रपोज किया गया। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है। 11 मई का जो दिन है जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हाउसिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी रिगार्डिंग में जो हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो ग्रामीण एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे हाउसिंग का जो एक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाएगा और उसके अंदर में कुछ टारगेट भी रखा गया है। लखपति दीदी स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, लखपति दीदी बेसिकली ये है कि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका 1 लाख का जो इनकम जनरेशन है वो ज़रूर से करना है। इनका जो टारगेट है वो यहाँ पे इंक्रीज किया गया है कि जो टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। लखपति जो दीदी स्कीम है कि SHG के थ्रू अपने लोकल एरिया के अंदर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मिनिमम 1 लाख है उसको वो जरूर से जनरेट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सोलार पावर के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। आप देखिए कि सोलार पावर की रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट समय में हमारे रूफ टूप सेक्टर के अंदर में आपको यहाँ पे 11 गीगावाट का जो बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम रेजिडेंशियल हाउसेज के अंदर में बात करें तो 2.7 गीगावाट है जो बेसिकली यहाँ पे सोलार के थ्रू जनरेट किया जाता है। तो सोलार पैनल्स को रिगार्डिंग में 22 जनवरी के समय हमारे PM सर के द्वारा सर्वोदय स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। सर्वोदय स्कीम का भी मेन टारगेट यही था कि हमारे रूफटॉप्स के ऊपर में जो बेसिकली सोलार पैनल्स हैं उनको इम्पोज किया जाए जिससे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। आप देखिए कि यहाँ पे रेजिडेंशियल जो रूफटॉप्स हैं उनके ऊपर में 2.7 गीगावाट देखने के लिए मिलेगा। टोटल आपको 11.6 का जो गीगावाट का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे सोलार पैनल्स के थ्रू हाउस जो रूफटॉप है उसके थ्रू किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं जैसे एयरपोर्ट का बिल्डिंग हुआ, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस का बिल्डिंग हुआ उसके ऊपर भी आपको रूफ के ऊपर में बेसिकली सोलार का जो पैनल है वो देखने के लिए मिलता है। हाउसिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हाउसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। रोड सेक्टर के अंदर में कुछ यहाँ पे हाइक के बारे में बात की गई है। पर प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके बारे में कम्प्लीटली जो बजट के अंदर जो साइलेंस है वो देखने के लिए मिला। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इकोसिस्टम है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, पैसे हमको एक फेम स्कीम देखने के लिए मिलता था, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मॉलिकुलर व्हीकल्स हैं, उसका मेन मोटिव यही था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बूस्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे रेलवे कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है कि 3 रेलवे इकोनॉमी कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा जिससे कि यहाँ पे जो PM गति स्कीम है, PM जो गति स्कीम है उसके थ्रू यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट है वो देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन के बारे में, तो आप देखिए कि एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, एक्सपेंडिचर इम्प्रूव हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, 4 डिफरेंट 4 जो क्लासेज हैं वो क्रिएट की गई हैं। यूथ है, फार्मर्स है, पुअर हैं, उन वुमेन हैं, उन सभी को यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिला है इस बजट के सेक्टर के अंदर में। बट कुछ क्रिटिक्स के द्वारा इस बजट को यहाँ पे एनालाइज किया गया। आप देखिए कि इनके द्वारा बताया गया है कि कंप्लीटली जो बजट है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। पर बजट के अंदर में एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि वेज का जो ग्रोथ है हमारे यहाँ पे जो लेबरर्स का जो वेज का जो ग्रोथ है उसके बारे में भी यहाँ पे कम्प्लीटली जो साइलेंस है वो देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे जो डिफरेंसेज है जो उनके बारे में बताया गया है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो देखने के लिए मिली हैं। तो इनके द्वारा इस तरीके से बजट को यहाँ पे एनालाइज किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिस्ट्रेस है उसको यहाँ पे एनालाइज किया गया कि एग्रीकल्चर के अंदर MSP है उसका कोई प्रोमिस नहीं किया गया मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइज के रिगार्डिंग में। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डिस्ट्रेस है उसको कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है रूरल एरिया के अंदर में, आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि MGNREGA के अंदर भी जो सेम अमाउंट ऑफ मनी है उसको अलोकेट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है MSP के बारे में रूरल एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सुसाइड्स है, फार्मर्स का जो सुसाइड्स देखने के लिए मिलता है जो डिस्ट्रेस की वजह से, उन सभी एरियाज के बारे में यहाँ पे इसको क्रिटिकली वे में एनालाइज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विसेज के सेक्टर के बारे में है कि यहाँ पे मोर अटेंशन दिया गया है कुछ सेक्टर्स के बारे में और कुछ सेक्टर्स को प्रॉपर वे में जो टारगेट है वो नहीं किया गया। तो इस तरीके से इनके जो क्रिटिक्स के द्वारा इसको एग्जामिन किया गया। आपको
जो बजट का जो एक जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से आप रीड करना, जिससे कि आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इंटरिम बजट है उसको प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो पॉलिटिकल पावर का गवर्नमेंट है प्रेजेंट समय में, उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो कमबैक करेंगे पावर के अंदर में, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था कि फुल फ्लेज बजट को आफ्टर द इलेक्शन हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। आप देखिए कि उनका द्वारा इस तरीके का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो दिया गया है। स्टार्टअप कल्चर के बारे में स्पेस सेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो आपको स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि 2023 का जो ईयर है वो काफ़ी सक्सेसफुल ईयर रहा हमारे कंट्री के रिगार्डिंग में। चंद्रयान मिशन है वो देखने के लिए मिला है, आदित्य मिशन है, एक्सपोसैट मिशन है, एक्सपोसैट मिशन जो बेसिकली पोलरीमीटर सेटेलाइट के रिगार्डिंग में है। 2024 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखिए कि नासा और इसरो का जो सिंथेटिक अपार्चर रडार है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो का जो सिंथेटिक अपार्चर रडार है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो आपको इन स्पेस नाम का एक कंपनी है उसको क्रिएट किया गया था 2020 समय में, एक बेसिकली कॉमर्शियल सेक्टर के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि स्पेस सेक्टर के अंदर जो प्रॉपर बूस्ट है वो देखने के लिए मिले, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसको कितना जो पैसा है वो अलोकेट किया गया, तो अगर हम वहाँ पे डिस्कस करें तो कंसेंसस के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो मनी है उसको अलोकेट किया गया है। हमारा जो I4C नाम का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में, जिसको कि हम यहाँ पे साइबर क्राइम एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप से जानते हैं, तो आप देखिए कि उसके लिए मनी है वो भी अलोकेट हुआ है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारे आईलैंड के रिगार्डिंग में, और आप देखिए कि CCTNS नाम का जो सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में जो मनी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो उसके अंदर भी यहाँ पे बताया गया है कि मालदीव के रिगार्डिंग में जो अलोकेशन है, मालदीव के अंदर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो अलोकेशन है उसको इंक्रीज किया गया है। भूटान के रिगार्डिंग में, वो अलग अलग स्टेट कंट्रीज के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पर डिस्कस किया गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नमस्ते जो स्कीम है उसके बारे में, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना है, पीएम जनमन है जो हमारे PVTG कम्युनिटी के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, पीएम जनमन नाम का जो स्कीम है। पीएम जनमन स्कीम के थ्रू आप देखिए कि हमारी PVTG कम्युनिटीज़ को बेटर स्किल है, बेटर एम्प्लॉयमेंट है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी उनके एरियाज़ के अंदर में। उसके अंदर में बेसिकली आर्टिकल 275(1) के बारे में भी डिस्कस किया गया, जो ग्रांट इन एड के रिगार्डिंग में है कि वेलफेयर ऑफ सोशल ट्राइब्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, माइनॉरिटी अफेयर्स का जो सेम यहाँ पे जो देखने के लिए मिला है, आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस सेक्टर के अंदर 3 सर्विसन को कंसोलिडेट वे में जो मनी है वो अलोकेट किया गया है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से है, यूएसए ने का जो कांग्रेस के द्वारा बेसिकली जो ड्रोन्स हैं इंडिया को यहाँ पे सप्लाई करने की रिगार्डिंग में जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आज का जो बजट है उसके बारे में है, और काफ़ी सारी न्यूज़ है उनको कवर किया गया था। स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपको बजट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कवर करेंगे आने वाले समय में, न्यूज़पेपर डिस्कशंस के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यूअस आपको, तो आपको बेसिक जो डाटाज है उनके बारे में पता होना चाहिए। बजट का जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसको वर्ड बाय वर्ड हम एनालाइज करेंगे, तो जो विकसित भारत का जो टारगेट है उसको अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा 2047 तक, किसे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सबका जो प्रयास है, सबका यहाँ पे साथ है उसको बेसिकली ऐड किया गया है कि सभी के एफर्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे 2047 तक जो विकसित भारत का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान और तालिबान के रिगार्डिंग में है, यहाँ पे डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे तालिबान से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनको निकाल दिया गया था या पाकिस्तान के एरिया से, बाद में उनको वापस से ऐड किया गया है अखबार ने ओरिजिन के जो पर्सनस हैं। यहाँ पे इसराइल के रिगार्डिंग में है, इसराइल के जो नियर बाई जो सेटलर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो सेंक्शंस है उनको इम्पोज किया गया है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पाकिस्तान के ही रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि वहाँ पर कुछ जो अनडिस्टर्बेंट सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला, और कुछ कैंसर के जो केसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है WHO के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें EU यहाँ पे एग्री हुआ है स्टूडेंट 50 बिलियन के आसपास जो रिलीफ पैकेज है यूक्रेन को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कुछ दिन पहले फ्रांस के द्वारा बेसिकली यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था, उसके बाद में रसिया के द्वारा फ्रांस
फ्रांस के जो बेसिकली डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ पे क्वेश्चन किया गया था वहाँ मॉस्को के अंदर में उनके द्वारा। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पैलेस्टीनियन पर्सन्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में है। इंडिया के द्वारा भी जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए हैं, यहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के, जो हमास का जो अटैक है उसके लिंकेज के रिगार्डिंग में, जैसे कि कहा गया इसराइल के द्वारा कि जो 7 अक्टूबर के सिम हमास के द्वारा अटैक किया गया था उसमें रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूडेज न्यूज़पेपर, तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।